मायरा फैशन, स्वामी कॉम्प्लेक्स, अनवेगा मॉल, अजमेर। यहाँ जयपुर के अंदर खाली पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री नहीं हो जाएंगे सारे, बाकी लोग आ रहे हैं। तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल तो सच्चाई के रास्ते पर चला है। बड़े बड़े किसान नेता हुए राजस्थान के अंदर, खुद की पार्टी नहीं बना पाए, पार्टी भी बनाई, 3 MLA लाया, 57 उम्मीदवार लड़ाए, 9.5 लाख वोट लाया और सबसे ज्यादा नौजवानों को टिकट दी और प्रत्येक जाति के किसान के बेटों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया और 50 जगह हेलीकॉप्टर भी उतार दिया। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, 4 साल में संघर्ष और करना होगा, 4 साल भी निकल जाएंगे, 2023 की सत्ता RLP के बिना राजस्थान के अंदर कोई सत्ता पर काबिज नहीं होगा, असली किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा, ये मैं कहूंगा। जैसे दिल्ली के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हूं, 23 तक तो मैं मोदी जी के साथ ऊपर हो सकता है आगे भी उनके साथ रहूं, लेकिन प्रदेश में हनुमान बेनीवाल अपनी RLP पार्टी को भी मजबूत करेगा, किसी के भरोसे नहीं रहेगा। मैं दोस्ती निभाने वाला आदमी, जैसे भंवर सिंह जी कह रहे थे, हमने प्रयास किया। और भाइयों, राजस्थान बहुत बड़ा है, यहाँ कई ऐसे फर्जी नेता थे जिनको घर भेजते भेजते 60% घटाया, 40% और बच गए, टाइम हमारा बचा हुआ है, प्रयास करेंगे। और जिसके साथ नौजवान की ताकत है, जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। और राजस्थान का नौजवान राजस्थान के अंदर परिवर्तन को देख रहा है, राजस्थान का नौजवान चाहता है कि जिस तरह देश के दूसरे तमाम राज्यों के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां बनी, तीसरी ताकत खड़ी हुई, राजस्थान के अंदर भी तीसरी ताकत खड़ी होनी चाहिए। ये लोक देवताओं की धरती है, ये वीरों की धरती है, या इस तरह जो मिला जुली का खेल है, मिला जुली का खेल खत्म होना चाहिए। ये मिला जुली का खेल तो आप समझ गए 20 साल से, गहलोत जी वो सुंदरा जी, गहलोत जी वो सुंदरा जी, और एक भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं और एक भी कोई गिरफ्तार नहीं, तो इससे ज्यादा मिला जुले का। अच्छा, अशोक गहलोत का जो जादू है ना, वो मैंने ही खत्म किया। मैंने उसके बेटे को हरवाया और बेटे को हराने के बाद अशोक गहलोत को लगा कि मैं जादूगर नहीं हूं, जादूगर तो कोई दूसरा ही लोग, जादूगर से हमको सफेरा बना दिया राजस्थान का। भाइयों, दिलाता हूं क्योंकि आप सोशल मीडिया के माध्यम से हुंकार जब भरी राजस्थान के अंदर, पूर्व मुख्यमंत्री तो हमारे इस तरह पीछे पड़ गई थी कि हम जिंदा कैसे थे, उनको नींद नहीं आती, जो मरा क्यों नहीं अभी तक, घूम कैसे जा रहा। फिर भी आपने हमेशा हिम्मत रखी और नौजवानों की हिम्मत का परिणाम था कि हनुमान बेनीवाल की हुंकार ने देश की सियासत के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया। मुफ्त बिजली की घोषणा कराई, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई देश के अंदर, जो मूंग 4,000 रुपए बिकता था वो मूंग 7,000 रुपए बिकने लगा राजस्थान के अंदर, देश के अंदर। भाइयों, मैंने कहा धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकती है 15 साल के अंदर सरकारें, तो किसानों का राजस्थान के अंदर 82,000 करोड़ का ऋण माफ होना चाहिए। जब मैं दिल्ली चला गया तब कांग्रेस के कई साथी कहते थे कि हनुमान जी बदल गए, प्रधानमंत्री जी के साथ है तो कर्ज माफी की बात नहीं करते। आप अगर लोकसभा TV या लोकसभा की कार्रवाई देखते हो तो मैंने प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत मिलकर भी बात करी और लोकसभा के अंदर भी मामला उठाया कि देश के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए, देश का किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए। प्रदेश के अंदर जब राजस्थान के अंदर संघर्ष कर रहा था तो स्टेट हाईवे को टोल फ्री करने की बात कर रहा था, किस बात का टोल, रोड टैक्स देते हैं, पेट्रोल डीजल पे जो सेस लगता है उससे पैसा सरकार को मिलता है और फिर भी हमें टोल देना पड़ता, तेरी मार जनता को पड़ रही। तो लोगों ने कहा कि अब तो हनुमान बेनीवाल टोल का मामला नहीं उठाएगा। मैंने लोकसभा के अंदर कहा, मैंने कहा पहले मैं राजस्थान में टोल मुक्त की बात करता था, अब हिंदुस्तान टोल मुक्त होना चाहिए। तो भाई, मैं तो प्रयास कर ही रहा हूं आपके लिए। और सबसे बड़ी बात कि पहली बार किसी सांसद ने राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करी। मैंने कहा राजस्थान वो सारे मापदंड रखता है,
अरावली की पर्वतमालाएं, चंबल के भीड़, टाइगर बेल्ट और बाड़मेर जैसलमेर के दौरे, पाकिस्तान की लगती सीमाएं, हमारा सारे जो मापदंड है उसमें हम खरे उतरते हैं। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और एक बार अगर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो आपको छोटे मोटे टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, पीने का शुद्ध पानी भी मिलेगा, फ्री बिजली भी मिलेगी, अच्छी शिक्षा भी मिलेगी और अच्छा इलाज भी होगा। अभी कोटा के अंदर आप देखो किस तरह की राजनीति की भेंट चढ़ गई। हमारे नौनियाल बच्चे बालक कोटा के अस्पताल के अंदर दम तोड़ देते हैं, वो मुख्यमंत्री को याद आती है, वो जाके आरोप लगा देते हैं, मुख्यमंत्री जाते नहीं है। जोधपुर के अंदर बच्चे दम तोड़ रहे, बीकानेर अजमेर के अंदर बच्चे दम तोड़ रहे, कानून का कोई राज नहीं। दलित बालिका का वीडियो वायरल होता है और उसके बाद एक ने एक करते 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 अपराध के अंदर पिछला 15-20 साल का जो टेन्योर है, कहां तो राजस्थान अपराध में 2200-2300 नंबर पे था और कहां 2-3 नंबर पे आ गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वो जिम्मेदार है जो सत्ता के अंदर बैठे थे। उनकी जब मनमर्जी हुई तब तो उनका करा दिया, और मनमर्जी नहीं हुई तब अपराध को पनपाते रहे प्रदेश के अंदर। तो भाइयों, इस प्रदेश को बचाना, हनुमान बेनीवाल ने देखो, आपको मैं बता दूं कि हर आदमी अपना प्रमोशन चाहता है, प्रधान एमएलए बनना चाहता है, एमएलए एमपी बनना चाहता है, एमपी एमएलए मंत्री बनना चाहता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल संतरी बनकर राजस्थान के अंदर आपकी सेवा कर रहा है। तो ठोकर हमेशा हमारी आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस नए साल के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस सरकार के खिलाफ राजस्थान के अंदर करेंगे, दिल्ली में प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करेंगे और प्रदेश के अंदर 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता जो घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कहा था, राहुल गांधी के बाहर चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने 1-2-3-4 ऐसे बोल के बोला 8-9-10 कर्जा माफ, संपूर्ण कर्ज माफी की बात करेंगे। मुफ्त बिजली की जो घोषणा पूर्ववर्ती सरकार ने करी, उस मुफ्त बिजली की घोषणा वापस राजस्थान की सरकार से कराएंगे, क्योंकि बिजली उत्पादन में विंड और सोलर एनर्जी के बाद राजस्थान बहुत आगे चला गया। 5 साल बाद हम बिजली में आत्मनिर्भर हो जाएंगे और बिजली को बेचेंगे, बिजली का निर्यात भी करेंगे राजस्थान में। दिल्ली की सरकार का कोई हिमायत नहीं हो, जो दिल्ली के अंदर आप पार्टी की सरकार है, लेकिन उन्होंने 2 काम अच्छे किए, मैंने वहां खुद देखे। एक तो शिक्षा के मामले में जितना भी शिक्षा माफिया है, कितना भी बड़ा स्कूल का मालिक होगा, उसको सही सारे मापदंड याद दिला दिए, 25% गरीब के बच्चों को एडमिशन करना ही पड़ेगा, शुद्ध पीने का पानी फ्री हर घर में मिलेगा, कचरा कहीं नहीं मिलेगा, और जितना कर सकते हैं। तो भाइयों, इस स्टेट के अंदर भी ऐसी आवश्यकता है जो आम आदमी, गरीब आदमी, अंतिम छोर पर बैठे आदमी को जो हमारे पास अपनी बात नहीं पहुंचा सकता, कौन अशोक गहलोत से मिलेगा बताओ? जब सीएम है वैसे नहीं मिल रहा, और सीएम हट जाएगा तो बाहर पहुंच जाएगा। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, मिलती नहीं थी और नहीं है, लंदन चली गई आराम करने, कहां ढूंढोगे आप बताओ? तो भाइयों, हमें ऐसे नेता चाहिए जो आपके बीच आके आपके बीच रहे, संघर्ष करे, आवश्यकता पड़ने पर लाठी गोली खाने के लिए तैयार हो जाए। मैं तो ऐसा नेता हूँ, मेरे समर्थकों पर संकट आ जाए तो रात को चला जाता हूँ उनके घर पर, मैं आ गया और लड़ने के लिए भी जरूरत पड़े तो। ऐसे नेता आपको चाहिए जो आपके लिए काम करे, प्रयास करे। हनुमान बेनीवाल काजल की कोठरी के अंदर रहते हो, कोई नहीं कह सकता कि कभी 50 रुपए का, 100 रुपए का भी भ्रष्टाचार का कोई उंगली आज तक नहीं उठी। मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष भी था, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था तो जमीनों पर कब्जा कर लेता, मुझे कौन मना कर रहा था, खूब कर बच्चे साथ रहते थे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे मेरा स्वाभिमान आत्मसम्मान मुझे कचोटे। ऐसा काम मैंने राजस्थान के अंदर नहीं किया, उसी का परिणाम है कि आप दोनों हाथों से बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और किसान के बेटे कहते हैं नई ऊर्जा आप देते हो, अकेला महसूस करता हूं तो आवाज आती है, हनुमान जी आगे बढ़ो, अजमेर आपके साथ है, शेखावाटी साथ है, भीलवाड़ा साथ है, मारवाड़ साथ है, आपको रुकना नहीं है, आपको चलना है और आपको 23 के अंदर इस राजस्थान के अंदर एक नया इतिहास बनाना है। कोशिश तो 18 के अंदर भी की थी इतिहास बनाने की, लेकिन राजस्थान कितना बड़ा, देश का सबसे बड़ा राज्य, धौलपुर से लेकर बाड़मेर, डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक तमाम नौजवानों को एकजुट किया। पहले आप क्षेत्रवाद में बटे हुए थे, मैं 8 से 10 साल पहले देखता था कि अजमेर के अंदर अजमेर और नागौर के बच्चे आपस में लड़ लेते थे, मैं तो जब भी आता एक ही भाषण देता था कि अजमेर के बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना है नागौर के बच्चों का, कहता था नहीं कहता था?
वो इसलिए कहता था कि आप फिर इसमें आके ट्रैक चूक जाते हो सारे, तो ट्रैक चूक जाते हो फिर वो मामला नहीं आएगा। इसलिए अपने को सबको मिलकर इस राजस्थान को बचाने के लिए प्रयास करना होगा। प्रिंसिपल साहब तो आपने बहुत जिंदा दे दिया, इसलिए यहाँ छात्र संघों को जो हमारे जमाने में जो छात्र संघ अध्यक्ष का इतना रुतबा होता था कि हम तो फोन करते थे तो ना सुनने की आदत नहीं थी हमको। जो जमाना था कुलपति करा दिया 8-10 हजार एडमिशन से ज्यादा देते हैं, विधानसभा में पकड़ो अध्यक्ष को जो भी आया करा दिया क्या। तो अखबार में मुझे पूछा कि आपने इतने एडमिशन क्यों करा दिए, मैंने कहा पहले एडमिशन ही कराए, अगर सत्ता मेरे हाथ में होगी तो पकड़ पकड़ के नौकरियां भी लगा दूंगा राजस्थान की मदद करूंगा। और मदद मैं करता हूं, और किसान का बेटा अगर अच्छी कॉलेज स्कूल में पढ़ना चाहता तो उसको अधिकार होना चाहिए। गरीब का बेटा भी महाराजा कॉलेज में पढ़े, महारानी में पढ़े और डीएवी में पढ़े, ये व्यवस्था होनी चाहिए। और यह इतने संसाधन होने चाहिए कि कहीं भी एडमिशन ले ले। अब हालात कितने बुरे हैं आप बताओ, जहां आज डीएवी कॉलेज जिन हालातों से गुजरा, मुझे नहीं लगता कि आपको एडमिशन कार्ड देती, एड नहीं देती सरकार। प्रिंसिपल साहब कह रहे थे एनसीसी के अंदर सेल्फ फाइनेंस में हमारे बच्चे एनसीसी कर रहे हैं। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि इन तमाम डीएवी के मुद्दों को, तमाम गवर्नमेंट कॉलेज के मुद्दों को, जितने भी मैंने आज आपके यहाँ बात करी है, मैं प्रयास करूंगा सरकार डीएवी को अपनी तरफ से जो पैसा पहले देती थी, ग्रांट देती थी, वो चालू करे, एनसीसी को चालू करे। और मेरी तरफ से भी प्रिंसिपल साहब आप बता देना, वैसे तो देखो एमपी को 25 लाख रुपये मिलते हैं, तो मैं तो इतने घूमता हूँ घोषणाएं कर देता हूँ जगह जगह सुनों में, आप इतनी करवाना। आज मुझे पता आप छोटो करें, मुझे गर्ल्स कॉलेज में जब करके आया हूँ 25 लाख एमपी दूसरे संसदीय क्षेत्र में दे सकता है, ये नया अमेंडमेंट है, तो 10 लाख तो मैं वहाँ करके आया हूँ, 5-7 लाख आप करवा लो। हमारा एक ऑडिटोरियम 5 साल से बंद पड़ा है सर, 15 लाख दे दीजिए, बच्चों के लिए शीश महल बना दीजिए। तो 15 लाख में तो मुझे एक जने को किसी को और पकड़ना पड़ेगा, पार्टनर लाना पड़ेगा, लेकिन 15 लाख रुपए आपने दिला देंगे, चाहे मेरे वोटर से ना हो चाहे किसी वोटर से ना हो, आप 15 लाख पूरा करेंगे। बार जब मैंने रैलियां करी थी तो बड़ी इच्छा थी कि अजमेर भीलवाड़ा टोंक चित्तौड़ में रैलियां करें, रैलियां करें, तो समय नहीं मिला। तो भाइयों पहला जो आंदोलन होगा अपना इस पंचायत चुनाव के बाद, बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर हम करेंगे। मैं तो कोशिश करूंगा कि बीजेपी और आरएलपी मिलकर आंदोलन करें, अगर बीजेपी वाले कुछ आराम के मूड में तो मैं पहले चालू कर दूंगा। तो पहली रैली करेंगे जोधपुर के अंदर अशोक गहलोत के इलाके में, और दूसरी करेंगे सचिन पायलट के इलाके में अजमेर और टोंक के अंदर बड़ी रैलियां करेंगे। उसके बाद 1.5 दर्जन रैलियां करेंगे, फिर जयपुर को घेरेंगे और अशोक गहलोत से तमाम वो मांग और दिल्ली की सरकार से भी तमाम वो डिमांड, चाहे खेत खेत सिंचाई का पानी हो, चाहे दिल्ली में हमारी लंबित योजनाएं हो, उन सबको लाने का प्रयास करेंगे। मैं प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत कई बार मिला और उनको एक ही बात कहता हूँ, अभी धारा 317 थी, अभी जो बिल आया इसका आपका नागरिकता का, फिर जनसंख्या का ला रहे हो, उसके बाद प्रधानमंत्री जी जवान और किसानों के लिए हमें कुछ करना है, क्योंकि जवान और किसान नहीं बचा तो फिर नहीं तो कोई धारा का मतलब रहेगा, इनको बचाना बहुत आवश्यक है। मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूँ कि देश के नौजवानों को नई दिशा देने के लिए, इनकी आर्थिक स्थिति कैसे किसानों की मजबूत हो और हमारा प्रदेश विकास, यहाँ का मेयो कॉलेज स्कूल जहाँ वर्ष से लोग पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन अजमेर में एयरपोर्ट कितने साल बाद बना किशनगढ़ के अंदर, और वहां भी मुझे लग रहा है क्या फ्लाइट चलती होगी ना, ये कितने साल बाद, नागौर तो बनना बाकी है, अब तो 20 जगह बनना बाकी है। आप तैयारी कर लो, 2020 का साल राजस्थान के अंदर परिवर्तन का साल होगा, 2020 के अंदर 2023 लिखा जाएगा,
भाइयों इतना ही भरोसा दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल अपनी जाति के नौजवानों की और किसानों की पैरवी जरूर करता है, किसी दूसरी जाति का विरोध राजस्थान के अंदर नहीं करता। और इसलिए हुंकार भरी थी, उस हुंकार रैलियों के अंदर हमेशा एक बात कही थी कि आर्थिक पिछड़े स्वर्ण जातियों को भी आर्थिक रूप से जो पिछड़े उनको आरक्षण का हक मिलना चाहिए। ये लोकसभा के अंदर भी कहा और विधानसभा के अंदर भी कहा, हमारे मन के अंदर भी हम भी उन्हीं जगहों चाहते हैं। सब गांव की एक हमारी संस्कृति होती है, सब लोग साथ बैठते हैं। ये जातिवाद कौन लेके आया राजस्थान के अंदर? हमने तो जातिवाद देखा ही नहीं था। मैडम जब आई तब जातिवाद आया, जाट की बहू, राजपूत की बेटी, गुजर की समझदारी करके राजस्थान में पूरा पूरा जातिवाद कर। उससे पहले जाति के आधार पर वोट नहीं मांगे गए थे। और भाइयों ये आरएलपी पार्टी बना के 57 उम्मीदवार बना के आप उनका देखना कि 57 में से 9 मुसलमान और 12 मेघोड़ों को टिकट दी थी हनुमान बेनीवाल ने। और दो मेरे साथ जो बसपा पार्टी जो अपने आप को अनुसूचित जाति की पार्टी कहती है कि मैं शेड्यूल कास्ट की सबसे ज्यादा पक्षधर पार्टी, बसपा में कोई शेड्यूल कास्ट का एमएलए नहीं बना और हनुमान बेनीवाल के 3 में से एक बावरी और एक मेघवाल को एमएलए बना के राजस्थान की विधायक बना। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, आपके भरोसे में खरा उतरूंगा। मेरा संघर्ष आपके सामने और मेरा एक ही लक्ष्य कि सत्ता में भागीदारी आपकी सुनिश्चित हो, कॉलेज से डिग्री लेके बच्चा निकले तो उसके रोजगार की गारंटी हो और हमारी बहन बेटी रात को 12 बजे भी सड़क पर निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले। ये स्थिति राजस्थान के अंदर वापिस कैसे हो, कानून का राज कैसे हो, इसके लिए हनुमान बेनीवाल सड़कों पर संघर्ष करेगा, राजधानी को घेरेगा और अशोक जी को रवाना करेगा और पायलट को रवाना करेगा और नया शासन राजस्थान के अंदर लाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक जी सी ए के प्रिंसिपल के बारे में कोई बात थी, कौन बोल गया? हाँ जी, मुन्नालाल जी का तो इलाज हम लक्ष्मीकांत जी से करवाएंगे। कितना पॉपुलर है और आपके डीएवी कॉलेज से मेरा कितना पुराना नाता रिश्ता है। 1997 के अंदर में आया था, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष था जब, 95 में कॉलेज अध्यक्ष था तब आया था, 3-4 बार में आ गया। और ज़्यादातर गांव के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे इलाके के ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, आप बार बार बुलाते हो। अब की बार का जो कार्यक्रम है वो सुपरहिट है, इसलिए भी क्योंकि आपने आराम से सबको सुना, 5 घंटे इंतजार किया और इंतजार करना आपने सीख लिया, इसका मतलब है सत्ता आपके आसपास है, जो इंतजार करता है उसी को राज मिलता है। आने वाला समय आपका कॉलेज विश्वविद्यालय के हमारे जितने भी मुद्दे हैं इनको लेके भी हम तमाम नागौर के भी होंगे, पूरे राजस्थान के होंगे। इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि आपको मेरी आवश्यकता जहाँ भी पड़ेगी, आपका भाई आधी रात को, वैसे आधी रात में घूमता रहता हूँ सड़कों को, आप देखते हैं कभी तो 3 बजे लाइव आता है, कभी 4 बजे देखते हो। सबसे ज़्यादा घूमने वाला रहता मैं ही हूँ, राजस्थान में पूरा नाप लिया मैंने। मुझे कई बार सपने में सड़क ही दिखती है, सपने का वो सिर्फ आपके लिए घूम रहा हूँ। मेरा मन है कि अभी मेरी उम्र का एडजस्टमेंट बिल्कुल ज़्यादा ठीक ही है, 46 साल का हो जाऊँगा मैं तो 2-4 साल और लड़ूंगा आपके लिए। लड़के उन तमाम नेताओं को, उन तमाम माफियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका जो अदला बदली का मिला भगत का खेल रहा है कोई जरूर नहीं चले। ये इस राजस्थान का भविष्य वो तय करेंगे जो राजस्थान के अंतिम छोर पे बैठे लोग हैं, शोषित पीड़ित सारे समाजों को साथ लेकर हनुमान बेनीवाल नए राजस्थान के निर्माण में लगेगा। इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ। छात्र संघ के माध्यम से संसद में पहुंचा हूँ, विधायक बना हूँ। मैंने बार बार एक चीज ये भी कही थी कि लिंगो कमेटी से चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों मेरी कलम चली है, मेरा कहना माना तो लिंगो कमेटी को खत्म इसलिए करेंगे कि एक बार अगर कोई चुनाव लड़ता है वो हार जाता है तो दोबारा उसको मौका नहीं मिलता। ये लोकतंत्र में दोबारा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलता हम भी अध्यक्ष नहीं बढ़ते। हम भी एक एक बार हारे थे, पहले यूनिवर्सिटी के अंदर हारे, फिर मेहनत की, फिर दोबारा जीते। तो ये लिंगो कमेटी की आर्ट के अंदर कई जगह हम देख रहे हैं कि छात्र संघों को दबाया भी जा रहा है,
इतना ही विश्वास आपको दिलाते हैं कि विश्वविद्यालय कॉलेज की स्वायत्तता ये भी कायम रहनी चाहिए, सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो। पहले एक जमाना हुआ करता था कि कुलपति मुख्यमंत्री गवर्नर के अलावा किसी से नहीं मिलते थे, आज स्थिति ये हो गई कि कुलपति शिक्षा मंत्री के घर पर सब्जी और फ्रूट लेके रोड ले। ये कुलपतियों की स्थिति होगी, क्योंकि कुलपति बनना तो बायो मीडिया कैसे करे, कुछ कैसे करे मंत्री। तो ये गिरावट जो आई है इसमें सरकारी गिरावट के अंदर मुख्य कारण है। सरकारी संस्थाओं का हमारी जो भी ये जो ऑटोनॉमस है इनको स्वायत्तता पे दखलंदाजी सरकारों को नहीं करनी चाहिए, ये मेरे निजी विचार है। आप सबने मुझे सुना, बहुत लाड प्यार प्रेम दिया, आप में ज़्यादातर ऐसे बच्चे भी हैं जो लोकसभा चुनाव के अंदर रात रात मेरे लिए घूमते थे आसपास के इलाके के अंदर, विधानसभा के अंदर भी घूमे, और आगे भी आप मेरी मदद करते रहोगे क्योंकि आपकी मदद मैं ही करूंगा। अशोक गहलोत तो सोनिया का जयकारा करेगा और वसुंधरा जी पता नहीं किसके गीत गाएगी, आपके गीत तो अरमान बेनीवाली गाएगा। रजनीकांत जी मेरे भाई और एमएलए बनने की कतार में लगे हुए अमीर पठान जी, विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री, बहुत अच्छा उद्बोधन था जिनका, जयेश जोशी जी, प्रधान किसान अशोक जी रावत, कॉलेज के अध्यक्ष जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और जब आमंत्रित किया जब एक शर्त मैंने रखी थी कि सीताराम जी सामने के नारे मुझसे पढ़ाओ पिछली बार जैसे, तो इन्होंने कहा लगेगा नहीं, मैंने कहा ठीक है। ये मैंने अजमेर में देखा, एक मैं आपको सीख भी दूंगा लास्ट के अंदर कि राजस्थान के अंदर जहां भी छात्र संघ चुनाव होते हैं छात्र संघ अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन एक परंपरा होती है जिसका अध्यक्ष होता है वो अपने हिसाब से कार्यक्रम कराता है। तो अजमेर के अंदर मैंने देखा था कि आप नारेबाजी वैसे प्रेम से करते थे, लेकिन नारेबाजी आमने सामने करने से अखबारों में मैसेज जाता था कि हुदंग हुआ छात्रों का हुदंग, ये फिर वो बात पिट जाती थी। मैंने कहा आपको तो नारे बारे में तो बनाए, उन्होंने कहा वो नारे लगाने में मैं खुद ही था, मैं ही बन गया। इनकी जो उपाध्यक्ष भाई सोई खान महासचिव, प्रमोद सिंह चौहान संयुक्त सचिव, पिंकू जाट मेरे सामने बैठे आरएलपी के हमारे प्रवक्ता, रोहित गुजर जीसीए के अध्यक्ष विकास गोरा जी, आरएलपी के राजस्थान के यूथ के अध्यक्ष संदीप जी, हमारी छोटी बहन गवर्नमेंट महिला महाविद्यालय के अध्यक्ष कांता जाखड़, पूर्व विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लोकेश गोदारा, आरएलपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और यहाँ के सीनियर छात्र नेता विजयपाल चौधरी, प्रदेश मंत्री हमारे संजय कुमार जी, वकील साहब उपाध्यक्ष जगदीश रामा जी, लोक कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर बेनीवाल, समाज सेवी मदनलाल जी गोरा जी, महेंद्र सिंह जी रावत रावत सेना के अध्यक्ष, कंचन जी प्रमोद जी की माता जी, लक्ष्मी चौहान जी, सम्मानित मंच उपस्थित हमारे गुरुजन, मीडिया के मेरे भाई, और चार घंटे से लगातार इंतजार कर रहे किसान के बेटे और बेटियां, राजस्थान का आने वाला भविष्य, और 2023 के अंदर सरकार जिनके हाथ में होगी वो मेरे छोटे भाई बहन जो यहाँ पे डीएवी महाविद्यालय के अंदर हमारे जोश और जुनून देख के लग रहा है कि 23 आते आते बहुत कुछ बदलाव होगा। वैसे फिलहाल मैं लोकसभा के अंदर हूं, अभी राजस्थान में कम हो, लेकिन बार बार यहाँ से विधायक ही पुकारा जा रहा था क्योंकि विधायक के रूप में ज्यादा चर्चित रहा तो वहां भी यहां भी भाई विधायक, मैं तो पूर्व वक्ताओं ने भी अपनी बात कही। आज देश जिन हालातों से गुजर रहा है
किसी किसी को चिंता कभी होगी? 50-55 साल कांग्रेस ने राज किया, बीच में भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार बनी थी, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2014-19 पहली बार बनी, और जो देश के मुद्दे थे, देश की आंतरिक चूक से खतरे में थी, पाकिस्तान चाइना फन फैलाए खड़े और देश आंतरिक सुरक्षा से जूझ रहा था, कहीं नक्सलवाद को लेकर झगड़ा था, कहीं भाषावाद को लेकर झगड़ा था, और भाइयों बेरोजगारी और किसान इनकी अच्छी स्थिति देश के अंदर कैसे हो? क्योंकि जब तक किसान का बेटा मजबूत नहीं होगा, किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक देश मजबूत नहीं होगा। लेकिन काम करने के अंदर समय लगता है। कांग्रेस ने जो खड्डे खोदे थे हिंदुस्तान के अंदर, उन खड्डों को भरने के लिए कम से कम 10 साल का समय पूर्ण बहुमत की सरकार को जरूरी था। पिछले 5 साल मोदी जी पीएम थे, प्रयास किया, और इस बार धारा 370 बाहर चला करती थी कि धारा 370 हट गई तो खून की नदियां बह जाएगी। मेरे को तो कहीं खून बहता हुआ नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिंदू मुसलमानों को साथ बिठा के संविधान पीठ से निर्णय करवाया, राम मंदिर जो करोड़ों हिंदुस्तान की आस्था का मामला था, और मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय को बिठा के अगली हिंदी सुप्रीम कोर्ट के अंदर करा के एक संदेश दिया कि मुसलमानों को भी साथ लेके चले गए। प्रधानमंत्री जी का पहला एनडीए को जब इन्होंने संबोधित किया था, शपथ ली थी, एक ही बात उन्होंने कही थी कि हिंदू मुसलमान भाई है, और देश की आजादी की लड़ाई के अंदर दोनों भाइयों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को भगाया। अभी जो नागरिक संशोधन विधेयक आया था, तो ये तो आप देखते ही हो कि कोई भी विधेयक आए तो मैं उसमें बोलता जरूर हूं, चाहे 5 मिनट या 8 मिनट देखता हूं ना आप सब। तो उसने बोला था ये नागरिक संशोधन जो विधेयक है, ये विधेयक मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस ने नौजवानों को, बच्चों को एक हथियार बना के, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं, उनके पास तो उनका कप्तान पप्पू है, राहुल गांधी। तो असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आग लगाई, जेएनयू के अंदर हमारे बच्चे तो किसान के बेटे बड़े बड़े उनके गले के अंदर बांध दिया कि आप जाओ। और भाइयों, भाई को भाई से लड़ाने का काम अगर किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इस बिल को अगर अच्छी तरह किसी ने पढ़ा तो इस बिल के अंदर इतना सही है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जितने भी अल्पसंख्यक वहां के, वैसे हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, जिस तरह कई इस्लाम देश भी होंगे, हिंदुस्तान ऐसा देश है जो सब धर्मों को साथ रखता है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का लोकतांत्रिक देश है। तो इसके अंदर ये रखा कि कश्मीरी पंडितों को जिस तरह कश्मीर से भगाया, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ करता था, आप पढ़ते थे जब बच्चे थे आप, ये तो बहुत पुरानी बात है। और बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो हिंदू, बौद्ध और फारसी या दूसरे अल्पसंख्यक जो उन देश के अंदर अल्पसंख्यक है, वो हिंदुस्तान के अंदर अगर शरणार्थी बन के बैठे तो उनको नागरिकता दी जाएगी, न कि किसी नाते से नागरिकता छीनी जाएगी। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, अभी तो देश के अंदर और कानून आने बाकी है, अभी जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है। जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहां से लोगे, आप खुले हवा में सांस कैसे लोगे बताओ? जिस तरह आबादी बढ़ रही है, जोत घट रही है, दादा के पास 100 बीघा जमीन थी तो पोते के पास 15 बीघा जमीन आ गई, 10 बीघा जमीन आ गई। तो भाइयों, इस बढ़ती हुई आबादी को रोकेगा कौन? रोकेगा चाइना के अंदर बढ़ती हुई आबादी रुक सकती है? ये कोई आबादी बढ़ना कोई एक जाति का नहीं, कोई एक जाति कोई आबादी बढ़ा रही देश का, लेकिन बढ़ती हुई आबादी को रोका जाए,
हिंदुस्तान को उन सब परिस्थितियों से जिनको लेकर हिंदुस्तान खोखला हो गया उनसे दूर किया जाए। तो इसके लिए जल्दी दिल्ली की सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आएगी और एक बहुत बड़ी डिमांड है पिछले 30-40 साल से कि जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। सरपंच प्रधान का चुनाव लड़े तो उसमें दे दिया जाता है, 2 से अधिक संतान है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं तो लोकसभा के अंदर कहा था कि सरपंचों को पाबंद मत करो, एमपी एमएलए के भी 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो भी चुनाव नहीं लड़े। ये पहले उधर से शुरू करना चाहिए, लोकसभा से विधानसभा और विधानसभा से फिर ग्राम पंचायतों में। भाई लेकिन सरकारें अपने हिसाब से आती है जाती है करती है लेकिन देश के लिए कुछ भी नहीं किया, देश के नौजवानों के लिए आज भी कुछ नहीं हुआ। हमें पार्टियों से ऊपर उठ के देश के नौजवानों को बचाना। आज राजस्थान की बात कर ले, प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी सीट बचाने के लिए सोनिया गांधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों की परिक्रमा करते और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपना प्रमोशन कराने के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए घूम रहे और अशोक गहलोत अपनी सीट बचाने के लिए घूम रहे, दोनों एक ही काम करने लगे। इसलिए राजस्थान के अंदर अपराध बढ़ा, राजस्थान के अंदर नौजवानों को रोजगार नहीं मिला और अभी सरकार ने अति करी कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तिथि बढ़ाने को लेकर हजारों बच्चे ठंड के अंदर बैठे थे लेकिन फिर भी उनका एग्जाम आगे नहीं बढ़ाया। उनको आश्वासन दिया मुख्यमंत्री ने कि आप आओ मैं बात करूंगा, मुख्यमंत्री थूक के चाटते हैं हमेशा मैंने देखा है, कोई भरोसा नहीं कर सकता। अभी चुनाव का जो घोषणा पत्र था राजस्थान का बड़ा दुर्भाग्य था कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर आरएलपी और बीजेपी का गठबंधन हो जाता और वसुंधरा जी को नेता हटा देते तो राजस्थान में मुख्यमंत्री बीजेपी का बढ़ता राजस्थान। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई, नहीं सुनी गई तो भुगतो आप लोग, हम तो जीत जा पाते वसुंधरा जी का बंगला तो मैं खाली कराऊंगा, ये बता दूंगा तो बीजेपी के लोग बैठे होंगे लेकिन मेरे दिमाग के अंदर कोई बात बैठ जाती है ना, मैं जब तक उसको पूरा नहीं करता मुझे नींद नहीं आती, तो मैं उस बंगले से रवानगी कराऊंगा वो बंगला। कोई कह रहा था बंगला क्या ब्यूटी पार्लर बना हुआ बंगले से मोह गया, नहीं तो भाई सीएम जब हट गए क्यों बंगले को लेके बैठे आप बताओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री बंगलों में नहीं रहेंगे, ये बात मैंने नहीं कही, लेकिन श्याम जी तिवाड़ी ने कही, मैंने कही, विधानसभा बिल लेके आए, हमने विरोध किया, ऐसे तो कितने लोगों को आप परमानेंट कर दोगे।